subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update.
एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या आप रेडियो की आवाज़ थोड़ी धीमी कर सकते हैं? जी एक्चुअली इट्स पियर्सिंग माय इयर्स। ओके सर, थैंक यू। अरे यार तुमको क्या बताऊं, भाई साहब को मैंने कितनी बार बोला है कि बाहर का खाना मत खाओ मत खाओ, सुनते ही नहीं। बोला के भाभी के हाथ का बना खाना खाओ, लेकिन उनको तो बाहर का खाना पसंद है, स्ट्रीट फूड, वो भी चाइनीज। तो पेट तो खराब होना ही था ना। बिल्कुल। वो है ना उनकी सेक्रेटरी चीनी, 20 करोड़ का फटका ला के चली गई। ओ तेरी। घर तो बिका ही बिका, साथ में भाभी के सारे गहने भी बिक गए। क्या बात कर रहे हैं भाई, गॉड ब्लेस हिम। इसलिए कहता हूँ लॉन्डियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, मुंह के बल गिरोगे। बिल्कुल सही कहा भाई, आज के बाद मैं भी इन चक्रों से दूर रहूंगा। मेरा क्या है, मैं इन सब झंझटों में पड़ता ही नहीं यार, मेरा अपना सेट है, अलग है बिल्कुल। वो देख तेरी भाभी। What? कितनी प्यारी लग रही है यार। भाभी? अभी तो तूने कहा था कि मैं लड़कियों के पीछे भागता नहीं, फिर ये भाभी कहाँ से आ गई? अबे भाग कौन रहा है भाई, मुझे तो प्यार हुआ है सच्चा वाला। I'm in love यार। तू कमाल है यार। और वैसे भी एक मिनट फोन आया मेरा। हाँ सजाद मेरी जान, कैसा है भाई यार सूरज पश्चिम से कैसे? What? हेलो पूजा, कहाँ हो आप? सॉरी सर, एक्चुअली मैं सो रही थी। हाँ? सो रही थी? वो मुझे ना फीवर है और बहुत खांसी भी, मुझे ना बहुत कमजोरी आ रही है, मतलब मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं ऑफिस आ जाती हूँ। नहीं 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 स्नेहा, देखिए आप आराम कीजिए। थैंक यू सर। नहीं, जैसे मैं ठीक होती हूँ मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके बाय मैन। अरे यार ये बुढ़ा भी ना। हेलो सजाद, तू? मुझे लगा उस गान, चल छोड़, इतने दिन बाद तूने कैसे याद किया? व्हाट? हेलो हेलो आर्यन। हाँ सजाद, कैसा है भाई? हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज तेरे को मेरी याद कैसे आ गई? अरे यार बकरा हलाल हो गया। अरे हाँ यार मेरी शादी है। ओह कंग्रेचुलेशंस यार, दैट्स गुड न्यूज़ यार। हाँ हर्ष, कश्मीर में शादी है मेरी। हाँ तुम्हारा टिकट करवा दिया है, तुम तीनों अपने अपने स्टेशन से चढ़ जाना। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, चलो बाय बाय।
यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा अपने सजाद का टिकट कट गया। I'm happy guys, टिकट कटने से। ओह कितना क्यूट लग रहा है, कितना खुश है लौंडा। और स्नेहा व्हाट अबाउट यू? यार मेरा जो चलना था वो चल चुका, अब मेरा फोकस सिर्फ मेरे करियर पे है। गुड गुड। एंड आर्यन व्हाट अबाउट यू? मैं तो फिलहाल फिलहाल क्या यार, एक्चुअली आई वाज सीइंग समवन यार। बट अल्टीमेटली व्हाट? कुछ नहीं। और तू बता हर्ष, तेरा क्या चल रहा है? मेरा बोल बोल। यार मेरा ना यार ये प्यार व्यार से ना मन उग गया। ओह लुक हू'स स्पीकिंग। अरे आई एम सीरियस यार, कभी मेरी बात को सीरियस ले लिया करो। अपना लाइफ में ना एक ही फंडा है यार, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यू नो आई एम टोटली डन विद दिस लव। आई एम इन लव। टिपिकल हर्ष। अबे इतने दिन हो गए तूने अभी तक भाभी की फोटो नहीं दिखाई। सजाद पिक दिखा? हाँ यार फोटो तो अब दिखानी पड़ेगी। दिखा। अरे यार दिखाता हूँ, इतनी जल्दी क्या है तुम लोगों को। अरे वाह भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं, लव मैरिज। अरे हमें भी तो दिखाओ। तू ठीक तो है ना? बोला था ना तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत है। अच्छा सुनो, 20th से माय सेमेस्टर इज गेटिंग ओवर एंड पूरे 3 हफ्ते की छुट्टी है मेरी। ओह दैट्स नाइस, तो क्या प्लान है? सोच रही थी कहीं बाहर जाऊं घूमने। दिल्ली के आसपास तो बहुत खूबसूरत जगह है ना, मसूरी, मनाली, आई गेस शिमला, देहरादून, काफी जगह है। मनाली, मसूरी, मुंबई नहीं कह सकते थे क्या? मुंबई बोल सकता था बाबा, मुंबई तो यू कैन कम एनी टाइम राइट। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि खुद दिल्ली आके तुमसे मिलूं। बहुत हो गया है फेसबुक व्हाट्सएप पे बातें, अब हमें सामने मिलना चाहिए। Wow, so when are you coming on my vacations then? Sorry Mahira, actually अभी आना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? ऑफिस से थोड़ा वर्कलोड है और इस महीने छुट्टियां हमें नहीं मिलेगी। I'm really sorry Mahira. Do one thing, मैं तुम्हारे टिकट्स बुक कर देता हूँ, तुम मुंबई आ जाओ और रहने के लिए यू कैन स्टे विद मी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। और हाँ अगर प्रॉब्लम है तो आई विल मैनेज समथिंग एल्स। दिन में तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा बट इवनिंग्स में शाम को विल कैच अप। नो इट्स ओके, एक्चुअली आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू विद योर वर्क। यू नॉट डिस्ट्रैक्टिंग मी माय लव। विल मीट सून अगेन देन। आई एम रियली सॉरी मायरा। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज आर्यन। एक्चुअली माय रूममेट इज कॉलिंग मी सो आई विल कैच यू लेटर देन एंड आई विल कॉल यू बैक सून। ओके माहिरा, बाय बाय। आई लव यू टू। सच्ची यार मुझे तो पता ही नहीं था ही लव्स मी सो मच। तू बहुत लकी है यार, एक तरफ मेरा हीरो दे, 6 महीने हो गए बात करते हुए लेकिन अभी तक नहीं मिले। आर्यन आई एम ग्लैड, पहचान तो लिया।
बाबा क्या जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। हाँ तमन्ना, योर बॉयफ्रेंड इज वेटिंग। आई नो बाबा, जाती हूँ। डोंट फॉरगेट दैट यू ओ मी अ ट्रीट। हाँ ओ, ये तुम दोनों का प्लान था पहले से। चल चलो मैं चलती हूँ। बाय 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 आर्यन। बाय। तो तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो ना कहीं और चलते हैं, समवेयर क्वाइटर। कहाँ? कम ना बाबा। You know Aryan, I really love it. क्या मायरा? कहो ना। सुबह की खुशबू और खामोशी मुझे बहुत पसंद है। It's so soothing. I know. It's very soothing, right? You know, जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो हर एक पल, हर एक परेशानी और हर एक प्रॉब्लम मैं भूल जाती हूँ। Thank you.
अरे यू हैव लॉस्ट वेट द मैन लास्ट टाइम से या रियली थैंक्स आर्यन यू नो जब मायरा पहले दिल्ली आई थी शी नेवर वांटेड टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप ओह रियली या काफी लड़कों ने बहुत ट्राई भी किया था स्टॉप इट जानवी नो इट्स ओके तुम हो इतनी खूबसूरत कि कोई भी पागल हो जाए एग्जैक्टली अरे नूनो जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू अब तो इतना मिल चुके हैं दैट आई नो यू सो वेल यू नो आर्यन शी इज गेटिंग एंगेज्ड इन सम टाइम कांग्रेचुलेशंस आई नो आई एम गेटिंग एंगेज्ड लुक कितनी पॉजिटिव है तुम्हारा मैं सिर्फ इतना बोला दैट आई नो यू सो वेल और इसने एकदम से बोल दिया दैट आई एम गेटिंग एंगेज्ड आई वाज नॉट फ्लर्टिंग सो हु इज द गाय अब मिलना चाहोगे राहुल से व्हाई नॉट श्योर तुम्हें तो क्या यार इसने मुझे भी नहीं मिलवाया राहुल से ओह रियली अरे एक्चुअली ही वाज आउट ऑफ टाउन लास्ट टाइम बट बाय द वे ही इज ऑन द वे वो आ रहा होगा ओह या ओह ही इज राहुल या राइट ही इज द लव ऑफ माय लाइफ राहुल नाइस टू मीट यू गाइस हाय राहुल हेलो आई एम जानवी हाय जानवी बेबी वी आर गेटिंग टू लेट ओके यार ऑल राइट यू गाइस कैरी ऑन बाय बाय या सी या बाय यार मैं भी निकलती हूँ मुझे कुछ काम है यू गाइस कैरी ऑन ओके ओके बाय 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 इज दिस योर पीजी भैया रोक दो लेट्स गो आर्यन यू नो इट्स जस्ट बीन सिक्स मंथ्स दैट वी आर टुगेदर बट आई नो यू फॉर इयर्स एंड इयर्स आई मिस यू विल यू कम टू मीट मी सून आई प्रॉमिस I love you. I love you too. I love you. Okay? Okay, love. Something better, maybe this one? I'm not liking it. ये वाली दिखाइए आधा वन पीछे वाली आई थिंक आई हैव फाउंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर ये वाली Yeah. This is nice. Good choice. पर ये आपके बजट से बाहर है सर I know. But I'll manage. This is for someone very special. आप इसे एक प्यारे से केस में पैक कर दीजिए So भाई ready for tomorrow. कल की ट्रेन है ना तेरी हाँ यार But you know, I'm a bit nervous यार I don't know कैसे रेट करेगी तू इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है यार कुछ नहीं होगा वो तुझे हाँ कहेगी वो भी ना तेरा वेट ही कर रही होगी आई डोंट नो यार और वैसे भी ना लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद होते हैं तू टेंशन मत ले यार रिलैक्स आई नो यार बट स्टिल फोन ऑफ आ रहा है उसका तू टेंशन मत ले यार बोला ना कुछ नहीं होगा ऑल द वेरी बेस्ट आई हैव टू कॉल हर यार हाँ कर ले कॉल हमेशा लाइफ में मस्त रहना चाहिए स्विच ऑफ है यार उसका फोन बिजी होगी मैसेज ड्रॉप कर दे कॉल बैक करेगी ओके चल थैंक्स यार मैं निकलता हूँ ओके बाय
ऑल द वेरी बेस्ट। जी वो मायरा यहाँ पे रहती थी। मायरा अब यहाँ नहीं रहती, लेकिन वो बता। हाँ पूछ। तेरे मुंह से जूस क्यों निकला? जूस तो तेरे मुंह से भी निकला था। मेरा तो रीजन है ना यार। भाई रीजन मेरा भी है। तेरा क्या रीजन हो सकता है? Thank you.
इतनी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी। आई एम सो ब्लेस्ड। आप यहाँ रोज आती हैं? मुझे सुबह की खुशबू और खामोशी बहुत पसंद है। मुझे तो यहाँ यहाँ का ना सब कुछ बहुत पसंद है। इन सब चीजों में भूल ही गया। हाय, आई एम हर्ष। और आप? दीदी दीदी घर से सांडन। यू नो, मुझे लगा कि आज तुम आओगी नहीं। कल जिस तरीके से गुस्से में गई थी। मेरा यहाँ आना और बैठना काफी लोगों को पसंद नहीं है। और तुम्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, राइट? हाँ, एक्चुअली मैंने अपनी हर लाइफ का डिसीजन खुद ही लिया है। यही आसपास रहती हो क्या? दीदी दीदी कैसे ना देवन पकने यार। बहुत टाइम लगा दिया तूने वॉक पे। मैं भी साइकिलिंग करके आया यार। माउंटेन्स में साइकिलिंग करने का मजा ही कुछ और है यार। व्हाट सुपर विंड यार। और सुबह की खुशबू और खामोशी मुझे बहुत पसंद है यार। क्या बोला? वो बोला कि वो साइकिलिंग करके आया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले वो खूबसूरती सुबह क्या मतलब। हाँ यार, के सुबह में बहुत सुकून है यार। I will love again. हाँ? वैसे कहाँ मिली, कब मिली, कैसे मिली, ये भी बता दे। सुबह वॉक पे यार। कल भी मिली, आज भी मिली, मिलती ही जा रही है यार। Wow, that's fantastic. सजाद, हमें ना तेरे सुहागरात वाले रूम में ना पार्टीशन करनी पड़ेगी। सॉरी। पार्टीशन? क्यों?
for the new couple. Exactly. Or you get married. और वैसे भी ना तेरी एज निकली जा रही है शादी की. मेरा नाम तक तो मुझे पता नहीं है उसका. तुम लोग शादी तक पहुंच गए. What? हम यहाँ सुहागरात की प्लानिंग कर रहे हैं और इस लुल्लड़ को नाम तक नहीं पता. चले चाय पी. नहीं पीनी यार चाय. डूबने के लिए तेरे. यार मेरी मेरी ना बात हुई थी उससे. वियर्ड लगी, अजीब लगी थोड़ी मुझे यार. तू ना ऐसे कर, तू जा उससे बात कर. अगर कुछ नहीं बनता है तो तू कहे तो हम लोग तेरे साथ में चल सकते हैं. क्या बात कर रहे हो? मतलब चलोगे तुम लोग? हाँ, हाँ. चल सकते हैं ना. ऐसा चलोगे? हाँ? हाँ? हाँ. अरे बोल दो भाई. चलो चले? कोई ऑप्शन है? अरे अभी नहीं, कल मॉर्निंग में. कल पक्का? हाँ, हाँ, पक्का. डन डन. चलो सुनो सुनो. वोरी अच्छा हुआ. क्या क्या बात करना? बात करनी है ना. पक्का? हाँ बाकी हम देख लेंगे. अरे क्या देख लेंगे यार, कॉलेज थोड़ी ना है. जाने दे ना, बात तो करने दे उसको. मैं जानता हूँ कि यू नो हमें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ एक दूसरे से बने लगे. इतनी जल्दी ये सब कहना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए. लेकिन आई एम इन लव विद यू. बात कर. शिट यार, ये तो गुस्सा होगी. चलें घर? भाई ये वो नहीं थी. पता नहीं कौन थे, लेकिन जो भी थी बहुत मस्त थी यार. खैर ये सब छोड़ो यार. हाँ मैंने उसे कल है ना वहां से जाते हुए देखा था. चल ढूंढते हैं प्लीज. क्या क्या करना है? चलना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है. चलो. अरे अरे सुनो.
भाई कल तक यहीं थी, यहीं देखा था लास्ट में, अब पता नहीं। पूरा जंगल घुमा लिया, अब बोल रहे पता नहीं। अब क्या करना है? अरे यार टांग टूट गई, थक गए यार, घर चलो यार। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हो? बस खैरियत है। बड़े थके हुए लग रहे हो। थोड़ा अच्छा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अब तो मोहल्ले के लोगों ने भी देखना शुरू कर दिया यार, मेरा निकाह है भाई। चलो बस हो गया, बाद में करेंगे। अरे बस हो गया, चल यार। अरे चल यार। क्या हुआ? खज्जल खराबी है यार। यार मुझे लगता है कि हमें एक बार जाके सजाद से बात कर लेनी क्या? चाहिए। क्या मतलब क्या बात करोगे? देखते हैं, सोचते हैं। यार वैसे पता है क्या, लड़की बहुत खूबसूरत थी ना, प्यार हो गया था ना तुझे, उसके बर्थडे पे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, सेविंग करके रिंग ली थी उसके लिए। क्या मतलब क्या हुआ? I have no clue man, कुछ नहीं पता। इसे उससे जाके मिलना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी, उससे पूछना चाहिए था कि मतलब हुआ क्या। Exactly, at least एक बार जाके तू उससे बात तो करता। नहीं यार, अब उसकी शादी होने वाली है और मैं जाके उससे सब पूछूं? नहीं, that's not possible. मुझे सुबह की मतलब खुशबू मतलब बहुत पसंद है यार। मतलब? मतलब माहिरा ने उसे बोला था। तो उससे क्या होता है, सुबह की खुशबू और खामोशी बहुत लोगों को पसंद है। तो क्या हुआ, सुबह की खुशबू सबको पसंद होती है? खैर मैं ना हमको ना, हमें ना सजाद से जाके बात करनी चाहिए। सजाद बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा इंसान है। मुझे ऐसा लगता है मतलब हमें उसे बता देना चाहिए वहाँ जाके। हाँ, मुझे भी यही लगता है, हमें उसे जाके बात करनी चाहिए। इनफैक्ट आज शाम को ही जाके उससे बात कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बात सही है। What say? क्या बोलता है? सो रहा था। सब एक साथ सो रहा था तू? अच्छा सुनो, ये शादी का सॉन्ग सुनो। वन सेक। हाय मायरा। हेलो सजाद, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल यार। मायरा जानती हो घर पे सब बहुत खुश हैं यार, इतने दिनों बाद हमारे घर में कोई खुशी का मौका आया है। Actually, I wanted to... मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स आए हैं। Let me introduce you to them. ये सब कहाँ गए? Actually, उनका कॉल आ गया। दोनों का? हाँ, दोनों का। चल अच्छा तू आ। Hi Myra, how are you? I'm good. तुम बहुत खूबसूरत हो। Thank you. बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। Hope to see you soon. Same here. अरे तू गाना सुना रहा था? या सुना? बट तूने देखा ना वो कितना खुश था। हम लोग उससे बात नहीं कर सकते हैं। लुक, हाउ कैन यू से कि माहिरा भी खुश होगी? यार हम इतने तो सेल्फिश नहीं हो सकते कि सिर्फ अपने दोस्त के बारे में सोचे। हम लोग सेल्फिश नहीं है यार, वो शादी कर रही राइट, तो अपनी मर्जी से ही कर रही होगी। जरूरी थोड़ी यार कि शादी वो अपनी मर्जी से ही कर रही हो। That's not possible यार, that's not possible. I think you should meet her once. बाकी तेरी मर्जी। हाँ एक बार तो at least
आई डोंट नो यार। मैं कह रहा था कि वो देख रही है वो लौंडा, उससे पूछते हैं। बेटा इधर आओ, इधर आओ बैठो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। चॉकलेट का जमाना गया, अब मुझे पप्पी चाहिए, तभी बताऊंगा। इसको पप्पी चाहिए। अच्छा ठीक है, तू मुझे माहिरा दीदी के घर ले चल, फिर तुझे पप्पी दूंगी, ठीक है? चल। पप्पी जैसा तो मुंह है इसका, पप्पी मांग रहा। सुनो, यही घर है ये वाला। हाँ। ओके। उसने मुझे किस किया? अरे कोई नहीं, बच्चा है। अब करें क्या? देखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलो चलो। ओके चले, अंदर जाना है क्या? धीरे धीरे। मियाँ चल अंदर। आ जाओ आ जाओ। तू रुक। अरे रुकना, उसको जाने देना। आर्यन, आई एम ग्लैड, पहचान तो लिया। कंग्रेचुलेशंस। बहुत दूर से कॉन्ग्रेट्स बोलने आए हो। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब नहीं बोलना। अब आ ही गए हो तो अपने क्वेश्चंस का आंसर भी ले जाओ। मैं नहीं जानता कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर आई वॉज रियली सीरियस अबाउट यू। और उस दिन दिल्ली में सिर्फ तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने आया था। मैं जानती हूँ। What do you mean by that? मैं 10 साल की थी जब एक दिन अचानक से मेरे डैड और फिर वापस कभी नहीं आए। माई मॉम नेवर रिकवर्ड आफ्टर दैट। एक टीचर थी मेरे स्कूल में, हम सब उनको मिस स्माइली कहते थे। वो खुद भी हंसती थी और हम सबको हंसाती थी। She was so full of life. समर ब्रेक्स की ड्यूरिंग जब उनकी शादी हुई, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो खुशी, वो मुस्कुराहट, वो पागलपन, खुद हंसना और सबको हंसाना एकदम से गायब हो चुका था। वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी। We never saw that smile again on her face. और फिर स्कूल आना ही बंद कर दिया। काफी दिन वेट करने के बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ उनके घर गई। उनके नए घर नहीं है। जाओ यहां से। महाराज, जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया है वो तुम्हारे डिसीजन को जस्टिफाई करता है,
लेकिन While growing up, I never trusted men. जब मैं दिल्ली कॉलेज में थी, I had a very close friend. And उनका relationship बहुत अच्छा था. And they were really happy with each other. That was the time I started believing in love. And trusting men a little bit. But then you came in my life. And my life had completely changed. And when you told me कि तुम दिल्ली आ रहे हो मुझसे मिलने, I was really excited. बस मिलने नहीं. शादी के लिए प्रपोज करने आ रहा था. Do you remember Tamanna? Of course I do. तुम्हारी फ्रेंड जिसकी शादी होने वाली थी, राइट? तुम्हें याद है ना वो अपनी शादी को लेके कितना एक्साइटेड थी? बहुत एक्साइटेड थी. Before the marriage of Tamanna, she caught her fiancé with a naked girl in his apartment. Because of him, her life shattered. Are you okay? Mahira, जो भी तुमने experience किया है वो तुम्हारे डिसीजन को जस्टिफाई करता है, लेकिन तुम बाकी लोगों की गलतियां मुझ पे थोपते हो, दैट्स नॉट जस्टिफाइड. लुक एट माय मॉम डैड, दे आर मैरिड फ्रॉम पास्ट 28 इयर्स, और वो लोग बहुत खुश हैं. मेरे दोस्त कुछ खुश हैं कुछ नहीं है अपने रिलेशनशिप से, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. मैं यहाँ पे अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने आया था. कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गए और कुछ बाकी हैं, और अब मैं वो नहीं जानना चाहता. कौन से क्वेश्चंस बाकी है? मायरा, तुम शादी अब भी कर रही हो ना? हाँ, क्योंकि मेरी जम सी चाहती है, दैट्स इट. वाओ, हेलो भाई, कहाँ भूल गए क्या? सॉरी यार. क्या हुआ, क्या बोली मायरा? छोड़ ना यार, वो कुछ अलग ही कैरेक्टर है. मतलब? चलो मैं जाऊँ क्या उसे मिलने? चल तू. वो रेडियो से बातें, वो रेडियो से बातें, वो रेडियो से बातें करते थे धीमे धीमे देखो सुकून मिलता था दिल को ऐसे किरारे रारे दिखाने में जो मजा है वो कहाँ. बताना यार, कुछ बताना. अरे भैया भैया भैया, अभी के लिए ठीक है ना? इसे खत्म होने के बाद दोबारा रिपीट करेंगे, ओके? हाँ रिपीट करना. आपने ससुर के घर आया ये? डूड डूड जस्ट रिलैक्स, ऐसे कर ना, आग बबूला होने की जरूरत नहीं है. किसी महापुरुष ने कहा है कि दो चीज के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, ट्रेन और लड़की. बकवास. जिसने भी मुहावरा बनाया ना, बिल्कुल गलत बनाया है. क्योंकि आज के जमाने में अगर भागोगे नहीं था तो ना मिलेगी नौकरी और ना मिलेगी छोकरी. चाहिए किसे? साले कमीने, तुझे क्या लगा चोरी करेगा और पकड़ा नहीं जाएगा? चोरी चोरी कौन सी चोरी? अरे मुझे पता लगा उस लड़की के बारे में. किस लड़की के बारे में भाई? अरे तेरे से 10 साल छोटी है, कुछ तो शर्म कर. लेकिन उसका नाम तो बता यार, ये तो शुरू से ही भुक्कड़ है.
खा तू। कौन है वो लड़की? मुस्कान यार, क्लास 11th में पढ़ती है। तुझे कैसे पता चला? अरे वो ऐसा है ना, मेरा कजन है ना, वो वॉक पे गया उसी जगह पे जहाँ तू जाता है, जहाँ तुझे वो खूबसूरत लड़की दिखी। बाद में पता चला उसकी पड़ोसन है मुस्कान। What a coincidence. मुझे लगा क्या? बताओ तो तेरे को समोसे से इतनी एलर्जी है तो कुछ और मंगा के दू। पिज्जा पिज्जा भैया। साला शादी के घर में भी मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, ला दे। काम करता है पतला होता नहीं है। यू ओके आर्यन? मायरा का मैसेज है। क्या बोल रही है? मुझसे मिलना चाहती है। अगर तेरे से मिलना चाहती है तो आई थिंक यू शुड गो। एग्जैक्टली। तूने टच करके देखा है? हैं? तूने घूर-घूर के मत देख। तूने लगेगा हम उनपे ईवस्ट्रॉपिंग कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना यार, अब इससे ज़्यादा सस्पेंस मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। तू मत देख यार, अगर वो हमें देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? सही लगेगा जो लगेगा। इनसे अच्छे तो घूंगे हैं, कम से कम समझ तो आता है हमें। उनकी बात है। आर्यन आर्यन उसे कुछ बोल रहा है, उन्हें बात करने दे, फिर हम आर्यन से पूछ लेंगे कि क्या बात। तो फिर क्या करूँ मैं? तू बस यहीं पे खड़ा रह, सीधा सीधा। हाँ ऐसे देख। अरे वो जा रही है। वो देख ऊपर। तू उधर मत देख। अरे पूछना यार, तू पूछ। भाई क्या बोली? सॉरी बोलने के लिए बुलाया था। चलो उसे एहसास तो हुआ। मेरे बारे में क्या बोली? बोल रही थी बहुत क्यूट है। ओली लीली क्यूट बच्चा। थैंक यू, सही बोली। मुझे ना उसकी एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। बोलती कि लास्ट टाइम मिल रही हूँ, इसके बाद कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? I don't know. लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला? आई मीन सजाद इतना अंडरस्टैंडिंग पर्सन है और तू उसे कभी एज अ फ्रेंड मिलता तो मुझे नहीं लगता कि सजाद को कुछ प्रॉब्लम होगा। वही मैं सोच रहा था। ओह शिट! पागल है क्या? यार तुमने एक बात रियलाइज की? मायरा ने बाद में ऐसे बाय बोला, गुड बाय। हाँ तू? अबे समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। भाई वो आत्महत्या करने जा रही है। कुछ सुसाइड करने। चल चल। पागल है क्या तू? अबे जो है वही बोल रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा एक बात बता, वो उसको लाइक करती थी? हाँ। लेकिन शादी नहीं कर सकती। हाँ। थी। उसके पास ऑप्शन क्या बचा? सुसाइड। सिंपल। बार बार ना सुसाइड वर्ड यूज करना बंद कर दे। नहीं, बट ही हैज गॉट अ पॉइंट। एग्जैक्टली। लोग फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आके बहुत बार ऐसे गलत कदम उठाते हैं। समवन लाइक माहिरा, जिसकी फ्रेंड ने सुसाइड कमिट किया था, शायद किसी फेल रिलेशनशिप की वजह से। सी, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सुसाइड कंटेजियस होता है। लाइक यानी? एग्जैक्टली। हां? आई नीड टू कॉल हर यार। बुखार है। कॉलिंग हर। स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है? फिर ट्राई कर। वहीं चलते हैं। हम ना उसके घर चलते हैं। चलो चलो उसके घर चलते हैं। हेलो,
आप लोगों ने मायरा को कहीं देखा? हमने नहीं देखा है। भाई सुनना, उस लौंडे से पूछते। चलो इन बच्चों से पूछते। ओए छोटू, दुल्हन को कहीं पे देखा? अबे तू, अच्छा तूने दुल्हन को देखा कहीं पे? हाँ हाँ बताता हूँ बताता, पहले कुछ दोगी? अबे तू तो तेरी भागो, पकड़ यार इसको। अबे कितने क्यूट बच्चे हैं यार, तूने ऐसे ही भगा दिया उन्हें। शैतान के बच्चे हैं ये सब लोग, मेहमान हैं यार। आई थिंक हमें अंदर जाके खुद मायरा को देखना पड़ेगा। राइट चलो। दरवाजा खुला है, आर्यन जल्दी आ। भाई पल्स नहीं है। मर गई क्या भाई? थैंक गॉड यार, मायरा ठीक है। गाइस I think we should leave now. कोई आ गया तो क्या सोचेगा ना? Correct, correct. चलो भाई, निकलते हैं। चलो। वो रेडियो से बातें, वो रेडियो से बातें, वो रेडियो से बातें। भाई, हो गया ना? चल। यार तू ये कितनी बार समझाया कि ये घटिया हिंदी फिल्में देखना बंद कर यार। अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है यार, मुझे तो स्नेहा ने बोला था कि वो कुछ सुसाइड कंटेजियस होता है ना। अब हाँ, मैंने बोला था, मुझ पे ब्लेम कर। शट अप गाइस, शट अप। थैंक गॉड यार मायरा ठीक है। सॉरी। अच्छा भाई अब ये तो बता कि करना क्या है। क्या करना है? बैंड बजा बारात और क्या। कोई नहीं, रहेगी तो अपने फ्रेंड की लुगाई। मेरे यार की शादी है।
यार की शादी है। वालेकुम अस्सलाम। शादी मुबारक हो। जी शुक्रिया। शुक्रिया। मुबारक हो। आपको भी मुबारक। जी नमस्ते। आपका नाम क्या है? सज्जाद खान। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? औलाद खान। आपकी जो शादी हो रही है वो किस लड़की के साथ हो रही है? माहिरा रिजवान। क्या हमें इजाजत है? जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। दुल्हन को बुलाया जाए। जी मौलवी साहब आगे जाओ, माहिरा को बुला के ले आओ। मौलाना साहब तशरीफ रखिए। बैठिए। क्या बोल रहे हो आप? क्या बात हो गई? क्या दीदी? क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? सब खैरियत है ना? क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? दीदी क्या हो गया? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? क्या हो गया दीदी? क्या हुआ दीदी? बताओ तो सही। क्या हो गया? क्या हुआ? बताओ। क्या हुआ दीदी? बताओ ना। क्या हो गया दीदी? दीदी क्या हुआ? जब तक तुम ये पढ़ोगे मैं बहुत आगे निकल चुकी होंगी। मासी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। और इससे पहले आप कुछ गलत सोचें, मैं ये साफ साफ कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। हाँ मैं भागी हूँ, लेकिन सिर्फ अपने आप से। मेरे इस फैसले से काफ़ी लोगों को दुख होगा। कभी कभी अपने आप को पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है। आई एम सॉरी, अगर मैं ये नहीं करती तो मैं कभी खुश नहीं रह पाती। सजात, यू डिजर्व समवन बेटर, समवन मोर मैच्योर। जिंदगी में कुछ हासिल कर लूँ और अपने आप को जान लूँ, पहचान लूँ। तब तक के लिए अलविदा। बचपन से ही मैं उसे प्यार करता था। स्कूल में मुझे अपना दूल्हा कहती थी, आज मुझे छोड़ के भाग गई। नहीं हो सकता इसका। ये नहीं सुधरेगा यार, हमें इसकी मदद करनी चाहिए।
चल मेरा घर तो बर्बाद हुआ, एटलीस्ट इसकी सेटिंग कराते हैं, क्या बोलती है? चला चलना। आखिरी बार जब मैं मायरा से मिला तो वो आखिरी बार नहीं था। ये बात मैं चाहकर भी कभी किसी को बता नहीं पाया। जिंदगी में कभी कुछ चीजें खुद से भी छुपानी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो सच में अलग ही कैरेक्टर, सबसे अलग। सब कुछ पा गए।